हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम जंगीर सिंह है। कल हमने किया था बिहारी जी के भक्ति का वर्णन और सौंदर्य वर्णन, जिससे उसके संपूर्ण दोहे पूरे हो चुके थे। आज हम करेंगे बिहारी जी की नीति के दोहे, जो कि आपको इस वीडियो में पूरे कंप्लीट मिलेंगे, पूरे के पूरे आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं नीति के दोहे। बिहारी जी कहते हैं, बड़े ना हो जाए गुणन बिना, बिरद बड़ाई पाए। वह कहते हैं कि बिना गुण से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता। चाहे बिरद बड़ाई का अर्थ है यहां पर, उसकी जितनी मर्जी प्रशंसा कर लो, अर्थात गुणहीन व्यक्ति गुणहीन होता है, अवगन्यारा होता है, और गुण वाला व्यक्ति गुणी होता है। सहत दतूरा सौ कनक, दतूरे का अर्थ होता है यहाँ पर एक नशीला पदार्थ है, नशीला पौधा होता है नशे का, जिसे हम पंजाबी में सुखा भी बोल देते हैं। सौ कनक, उसे कनक तो कहते हैं। सहत दतूरा सौ कनक, गहनो गड्यो ना जाए। कनक का अर्थ होता है सोना, सोने का पर्यायवाची अर्थ है दतूरा, अर्थात कनक शब्द के दो अर्थ हैं, पर्यायवाची शब्द ये बन जाता है। इसका एक अर्थ होता है सोना, दूसरे का अर्थ हो जाता है दतूरा, अर्थात नशीला पदार्थ। ये कहते हैं कि दतूरे को जितना मर्जी अब कनक शब्द बोले, कनक कहें, लेकिन उसके गहनों गड़ो ना जाए, अर्थात उसके गहने नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि वो तो एक नशीला पदार्थ है, उसके गहने नहीं बनाए जा सकते। इस प्रकार जो गुणहीन व्यक्ति है, उसे बार बार गुणन कहते हुए, उसकी बड़ाई करते हुए, वृद्ध बड़ाई करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए, फिर भी वह क्या नहीं होगा, अर्थात गुणी व्यक्ति नहीं बनेगा। जिस प्रकार सोना सोना रहता है और जो दतूरा होता है वो दतूरा ही रहता है, चाहे उसे जितना मर्जी आप कनक कनक कहें, अर्थात सोना कहें। इससे संबंधित प्रश्न है, प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने किसकी महत्ता का वर्णन किया है, गुणों का, अवगुणों का, जीवन का, संसार का? तो इसका उत्तर है गुणों की बात की गई है। प्रस्तुत दोहे किस भाव को लेकर लिखा जाता है या लिखे गए हैं? प्रस्तुत दोहे उपदेशात्मक हैं, प्रेरणात्मक हैं, उपरोक्त दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं, अर्थात इसका उत्तर आ जाएगा ये दोनों हैं। उपदेश भी दिया गया है बिहारी जी ने और प्रेरणा भी बन जाते हैं ये, तो दोनों का उत्तर एक ही आएगा, कौन सा? उपरोक्त दोनों। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास? तो इसका सही उत्तर है अनुप्रास अलंकार। अति अगाध, अति औत्रो, नदी, उपु, सुर, बाई। अलग अलग अर्थ हैं, अलग अलग शब्द हैं। अगाध, अगाध शब्द का अर्थ हो गया अति गहरा, अति का अर्थ हो गया बहुत ज्यादा। अति औत्रो, औत्रो का अर्थ हो गया अति छिछला। नदी का अर्थ हो गया नदी, कोपू का अर्थ हो गया कुआं, शुरू का अर्थ हो गया सरोवर, बाई का अर्थ हो गया बौली। ये पानी के स्रोत हैं अलग अलग। देखो बिहारी जी ने गागर में सागर बनने की बात कही है, एक ही पंक्ति में चार पांच अलग अलग शब्द लिखे हैं, जिनके जिनका समान अर्थ एक ही बनता है, पानी, अर्थात गहरा पानी। अति अगाध, अति औथरो, नदी, कोपू, सुरुबाई, सो ताको सागरु, जहां जाके प्यास बजाई। वह कहते हैं वही सागर, वही जल, वही नीर अच्छा है। सो ताको सागरु, कौन सा? जहां जाके प्यास बजाई, जिससे उस व्यक्ति की प्यास बुझती है, अर्थात वह पानी पी सकता है। नहीं तो चाहे कितना मर्जी पानी गहरा हो, छिछला हो, नदी का हो, कुएं का हो, सरोवर का हो, या बौली का हो, वह किसी काम का नहीं है यदि उसकी प्यास नहीं बुझती। जिससे प्यास बुझती है उसके लिए वही सागर है। प्रस्तुत दोहा किस कवि की रचना है? तुलसीदास की, बिहारी की, रसखान की, मीराबाई की? आपको पता ही है किसका दोहा है, बिहारी जी का। कवि ने क्या बनने की प्रेरणा दी है? उपयोगी या अनुपयोगी या उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, अर्थात कवि ने यह प्रेरणा दी है कि हमेशा उपयोगी होना चाहिए जो किसी के काम आए। जैसे कि इन्होंने सरोवर की और कुएं की, सागर की उदाहरण दी है। दोहे में किस छंद का प्रयोग किया गया है? पता ही है कि नीति के दोहे हैं, तो दोहे में कौन सा छंद होगा? दोहा छंद ही होगा, ना कवित्व होगा
ना सवैया और ना ही चौपाई। सात नंबर दोहा है, जगत जनायो जे सकलू सो हर जान्यो नाहे, ज्यों आखन सब देखिए आंख न देखी जाहे। वे कहते हैं जगत जनायो जिन्होंने जगत का ज्ञान दिया, जे सकलू सो हरी जिसने सकलू का अर्थ होता संपूर्ण जगत का ज्ञान दिया अर्थात हरी ईश्वर जानो नाहे, हम उसे अभी तक जान नहीं पाए। जिसने पूरे जगत का जनायो अर्थात ज्ञान दिया उसे हम नहीं जान सके। ऐसे उदाहरण दिया आगे बहुत अच्छी, ऐसे ज्यो आंखें ना सब देखे है, जो हमारी आंखें होती हैं वो सभी संसार में वस्तुओं को देख लेती है सिवाय किसे, आंख ना देखी जाए अर्थात वो खुद को नहीं देख सकती। कोई किसी भी व्यक्ति की आंख अपनी आप को नहीं देख सकती लेकिन पूरे संसार को देख सकती है। तो यह कहते हैं तो इसी प्रकार जो ईश्वर ने हमें भगवान ने बनाया है जिसके द्वारा पूरे संसार का हमें ज्ञान मिला है हम उसे नहीं जान पाए, उसका ज्ञान हम नहीं प्राप्त कर पाए। प्रस्तुत दोहे में बिहार ने किसकी प्रशंसा की है, किसकी की है, ईश्वर की। प्रस्तुत दोहे में किस छंद का प्रयोग किया गया है, वही बार बार प्रश्न आ रहा है, सवैया छंद नहीं होगा, चौपाई नहीं होगा, स्वेत नहीं होगा, तो कर क्या रहे हम, नीति के दोहे अर्थात दोहा छंद ही होगा। प्रस्तुत दोहे में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का, उपमा नहीं आएगा इसमें, यमक नहीं आएगा, उत्प्रेक्षा नहीं आएगा। ये मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपने अलंकारों की पहचान करनी है, इससे आपको पता चल जाएगा कि अलंकारों की पहचान कैसे करनी है, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। घर घर दौलत दीन हवा जन जन जाचित जाई, दिए लोभ चशना चश्मा चखन लघु पुन बड़ो लखाई। घर घर दौलत दीन हवे, दीन होता है गरीब बनकर घर घर भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हैं, जन जाचना जन जाचत जाए, जन जाचत का अर्थ हो गया भिक्षा मांगना भीख मांगना। दिए लो चश्मा, लेकिन भीख मांगना ठीक है कि भीख तो मांग ही रहे हैं लेकिन भीख कैसे मांग रहे हैं, लोभ चश्मा लोभ का चश्मा पहनकर भीख मांगना यह गलत बात। क्यों गलत बात है, आगे फिर उदाहरण देकर बता रहा है। चखने दिए लोभ चश्मा, चखने मतलब लोभ का चश्मा उन्होंने आंखों में पहन रखा है, लघु फिर उस चश्मे से आपको क्या दिखाई देता है, लघु जो छोटा है उन द्वारा, बड़ो लिखाई वो बड़ा दिखाई देता है अर्थात भीख मांगने वाले को व्यक्ति को यह नहीं पता कि मैं भीख जिससे मांग रहा हूं क्या वह भीख दे भी सकता है या नहीं, क्योंकि वो तो बहुत गरीब है और जो गरीब है गरीब गरीब को कैसे भीख दे सकता है, जो खुद ने रोटी नहीं खाई है वो दूसरे को रोटी कैसे खिला सकता है। तो इसलिए यह कहते हैं कि जो दीन होता है घर घर भिक्षा मांगता है उसने लोभ का चश्मा पहन रखा है और छोटे से जो आपसे भी उससे छोटा है गरीब है भिखारी है उससे ही भीख मांग रहा है जो उसे कभी नहीं मिलती। प्रस्तुत दोहे में किसकी निंदा की है, लोभी व्यक्ति की, क्योंकि लोभी व्यक्ति क्या कर रहा है उसने लोभी का लोभ का चश्मा पहन रखा है और अपने से दीन व्यक्ति से भीख मांग रहा है। प्रस्तुत दोहे में मनुष्य को किस पर विश्वास रखने के लिए कहा गया है, ईश्वर पर अपनी क्षमता पर दोनों पर या केवल अपने आप पर, ईश्वर पर भी कहा गया है और अपनी क्षमता अर्थात अपनी ताकत पर भी कहा गया, तो इसका उत्तर आ जाएगा दोनों पर। प्रस्तुत दोहे में किस छंद का प्रयोग किया गया है, चौपाई छंद का नहीं, ये तो आपको बार बार प्रश्न आएगा ध्यान रखना है, दोहा छंद का, सवैया छंद नहीं आएगा और क्वेत नहीं आएगा क्योंकि नीति के दोहे कर रहे हैं तो दोहा ही छंद आएगा। नौ नंबर है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलल मानस रोज बढ़ जाई, घटत घटत पुनः ना घटै बरु समूल कमलाहे। बढ़त बढ़त संपत्ति सलल, वह कहते हैं कि जो धन है संपत्ति है अर्थात सलल सरल का अर्थ होता है यहां पर सरल, दो शब्द हैं संपत्ति और सलल अर्थात धन रूपी पानी, जहां मान लीजिए कि यहाँ पर एक एक बार उत्तर या मान लीजिए कि धन बढ़ रहा है, बढ़त बढ़त संपत्ति सरल जिसके पास धन बढ़ रहा है मानस रोज बढ़ जाए, तो मन भी बढ़ रहा है
लेकिन यहाँ सरोज पर सरोज का अर्थ है मन रूपी कमल और यहाँ पर अर्थ है धन रूपी पानी कि जिस प्रकार धन बढ़ता है उसी प्रकार मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं। घटत घटत पौना ना घट है, लेकिन जब घटता है जब धन घट जाता है खत्म होता है तो हमारी इच्छाएं धीरे धीरे नहीं घटती। बरु समूल कमलाहे, बल के समूल होता है कमल, कमलाहे कमल के पौधे की तरह है, जड़ से ही कमला जाती हैं, जड़ से ही खत्म हो जाती हैं। यहाँ पर समूल का अर्थ होता है जड़ सहित, अर्थात जब धन बढ़ता है तो आदमी की इच्छाएं भी बढ़ती हैं और कमल फैलता है, लेकिन जब धन घट जाता है खत्म होता है तो आदमी की इच्छाएं धीरे धीरे खत्म नहीं होती, जड़ सहित ही कमला जाती हैं। समूल कमला अर्थ, समूल का अर्थ हो गया जड़, जड़ सहित ही कमला जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। संपत्ति सलल मन सरोज में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास उपमा या रूपक या पुनरुक्ति, तो इसका उत्तर है रूपक अलंकार। संपत्ति घटने या नष्ट होने से मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इच्छाएं जागती हैं, इच्छाएं मर जाती हैं, क्योंकि जब संपत्ति नहीं आपके पास, दान ही नहीं बचा तो इच्छाएं क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। सलल शब्द का अर्थ क्या है, लीन करने वाला, जल लीलामय ले लेने वाला, अर्थात इसको उत्तर आ जाएगा जल, क्योंकि जल रूपी धारा उन्होंने बताया था। संपत्ति सरल शब्द आया था हमारे दोहे में, संपत्ति का अर्थ था धन, सरल का अर्थ था जल। नीत ना नीति गलीत हो, जो दर्यो धन जोरी, खाए खर्चे जो बचे तो जोरे सरोरी। ये कहते हैं नीत ना नीति गलीत हो, हे नीत हे मेरे मित्र प्यारे, आपकी यह नीति सही नहीं है। कौन सी सही नहीं है, गलीत का अर्थ है जो दुर्दशा करके धन जोड़ रहे हैं, यह नीति सही नहीं है। नीत नीति गलीत हो, अर्थात वह नीति अच्छी नहीं है, वह ढंग वह तरीका अच्छा नहीं है जो दुर्दशा करके ही धन जोड़ा जाए, जोर दरे धन जोरी, अर्थात मीतन नीति गलेत हो, जो दरिया धन जोरी, अर्थात उस धन जोड़ने का कोई फायदा नहीं है। फिर कैसा धन जोड़ना चाहिए ये बताते हैं आगे। साए खर्चे जो बचे, अर्थात साकर खर्च कर जो धन बचे तो जोड़े करोड़ी, फिर आप चाहे करोड़ों जोड़ो उसका फायदा होगा, अर्थात अपने आप को अपने परिवार को परेशान करके, अर्थात जो चीजें आपको जरूरी है जिससे आपका जीवन चलता है उन चीजों को खरीदो खाओ खर्चो, उसके अलावा यदि आपके पास धन बचता है तो फिर आप वह धन करोड़ों सहित जोड़ सकते हो। प्रस्तुत दोहे में किस छंद का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद का। दो शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, दो धन, देखो आराम ही है, दो से कौन सा अर्थ बनता है, अर्थात दो से समान अर्थ वाले कौन शब्द बनेंगे, धन दो धन, धन का जीवन होता है नहीं होता, धन का संपत्ति, हाँ बिल्कुल संपत्ति को क्या कहते हैं, धन कहते हैं, पैसा पैसा भी आ जाएगा, लेकिन पैसा तो फिर जैसे कि रुपया और पैसे में अंतर आ गया इसलिए ये नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं आएगा, तो उसका सही उत्तर हो गया संपत्ति। प्रस्तुत दोहे में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, इसका सही उत्तर है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। लास्ट वाला नीति का दोहा है, दंग का दोहा है, इसे हम ये भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने प्रेरणा और उपदेश दे रहे हैं, जितने भी दोहे हैं हमें प्रेरित कर रहे हैं और गुण दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। गुणी गुणी सबको का है, निगुणी गुणी न होत, अर्थात गुणी गुणी कहने से, बार बार गुणी कहते रहो, गुणी किसे, निगुणी से, अर्थात जिसके पास गुणी नहीं है तो गुणी न होत, उसके पास गुण कभी भी नहीं आएगा। तो फिर कैसे, आगे उदाहरण दिया कैसे नहीं आएगा, सुनियो कहूं तरु अर्कता, अर्क का अर्थ है सूर्य, अर्क का अर्थ है सूर्य अर्थात सूरज, तो अर्क समान उदोत, ये कहते हैं कि बार बार गुणी व्यक्ति कहने से कोई व्यक्ति गुणी नहीं बनता, प्रशंसा करने से कोई गुणी नहीं बनता, पहले भी इस प्रकार का दोहा आ चुका है। सुनिया कहूं तरु अर्कता, अर्थात जो
आग का पौधा है सरु अर्क, जो आग का पौधा है उसे हम अर्क अर्क कहें, सूर्य कहें, वह सूर्य नहीं बनता। अर्क समान अवधोत, अवधोत होता है प्रकाश करने वाला अर्थात सूर्य, अर्क समान होता है कि सूर्य के समान नहीं बनता, क्योंकि जिसके पास गुण है वह गुणवान है, जिसके पास गुण नहीं वह गुणहीन है। इसके लास्ट प्रश्न है तीन, दोस्तों दोहे में किसकी प्रशंसा की गई है, गुणी व्यक्ति की, अवगुणी व्यक्ति की, दोनों की, जन में से कोई नहीं। अवगुणी व्यक्ति की प्रशंसा नहीं की गई, प्रशंसा किसकी की गई है, गुणी व्यक्ति की। प्रस्तुत दोहे में किसका उदाहरण दिया गया है, सूर्य का, आग के पौधे का, जीवन का, जगत का। आग के पौधे का, आग का पौधा जो होता है कड़वा होता है, उसका उदाहरण दिया गया है, जो कि सूर्य नहीं बनता, बार बार गुण वाला कहने पर गुणी नहीं बनता, उसी प्रकार आग के पौधे को अर्क कहने पर सूर्य नहीं बनता। लास्ट प्रश्न है, प्रस्तुत दोहे में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास का, उपमा का, यमक का, या अनुप्रास एवं उपमा दोनों का। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा अनुप्रास एवं उपमा दोनों का। तो यह थे नीति के दोहे, बहुत सारे थे जो हमने अच्छे से कर लिए हैं। यदि फिर भी कोई किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं, मैं आपका उत्तर जरूर दूंगा। और आज के लिए इतना ही था, कल हम करेंगे गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज कृपा करें चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।